मैं दार्जिलिंग को जनता को बधाई देने चाहूंगी इसी के लिए कि आज पहले दफे जो हम दार्जिलिंग में एक इंडस्ट्री समिट कर रहे हैं और इंडस्ट्री समिट में बहुत सारे इंडस्ट्री फ्रेंड्स भाग भी ले रहा है। एक बहुत बड़ा बात है कि दार्जिलिंग में पोटेंशियलिटी ज़्यादा से ज़्यादा है। अगर हम दार्जिलिंग को देखें तो दार्जिलिंग का जो डिस्ट्रिक्ट होता है, एक तो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट जिसको नाम पे दार्जिलिंग को पहचाना जाता है, कलिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट, कर्शियंग, मिरिक, ऑल आर इम्पोर्टेंट टू ऑल ऑफ यू। और दार्जिलिंग का पोटेंशियलिटी तो कुछ खास ही है। दार्जिलिंग का खास पोटेंशियलिटी है टी, ट्रेड, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट, इसमें तो है, लेकिन हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, स्किल डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, इसमें बहुत सारे पोटेंशियलिटी है। लेकिन कभी हम लोगों ने सोचा नहीं कि क्यों दार्जिलिंग को हम अच्छा से अच्छा बना सकता है और हमारा जो नौजवान है दार्जिलिंग का, जो हमारा अनएम्प्लॉयड यूथ है, उसको जॉब क्रिएशन करने के लिए इसको करना जरूरी होता है। तो इसी के लिए लास्ट टाइम व्हेन वी मीट द जीटीए चेयरमैन एंड ऑल, दे रिक्वेस्टेड अस टू ऑर्गेनाइज अ इंडस्ट्री समिट इन दार्जिलिंग एंड विद इन अ मंथ वी हैव ऑर्गेनाइज दिस। थैंक्स टू जीटीए ऑल्सो टू कोऑपरेट अस, ऑल वी आर वर्किंग टूगेदर, लेट अस वर्क टूगेदर। हमने सोचा कि हमारा इंडस्ट्री फ्रेंड्स क्या बोलने चाहते हैं। इट इज गुड दैट हम बोलने का पहले इंडस्ट्री फ्रेंड्स क्या चाहता है उसको जानने का जरूरत होता है। सीआईआई जनरल डायरेक्टर जनरल मिस्टर चंद्रजीत बैनर्जी जो बात कहा है, मैं उसका साथ सहमत हूँ कि दार्जिलिंग का पोटेंशियलिटी बहुत है, बंगाल का पोटेंशियलिटी बहुत है। बार बार एक ही बात बोलने का जरूरत नहीं है। बंगाल हैज नाउ प्रूव्ड, दे हैव शोन देयर इंटेंशन, बंगाल इज गोइंग अहेड लाइक एनीथिंग, बंगाल मीन्स बिजनेस एंड इट्स ए मैटर्स, इज ऑफ डूइंग बिजनेस वी आर नंबर वन, स्किल इंडस्ट्री वी आर नंबर वन इन इंडिया, एमएसएमई सेक्टर वी आर नंबर वन, इवन एग्रीकल्चर सेक्टर वी आर नंबर वन, इवन ई टेंडर वी आर नंबर वन, ई रिफॉर्म्स वी आर नंबर वन, ई गवर्नेंस वी आर नंबर वन। वी आर ट्राइंग आवर अटमोस्ट टू डिलीवर द गुड्स इन ए प्रॉपर मैनर एंड राइट मैनर। इसमें होता है, मैं विश्वास करते हैं अगर डेडिकेशन ठीक से रहे, डिटर्मिनेशन ठीक से रहे, हमारा दिल सच्चा रहे, काम करने का जरूरत हो तो पीस में ही प्रॉस्पेरिटी आता है। पहले काम है पीस रक्षा करना। अगर दार्जिलिंग में शांति रक्षा होता है तो दार्जिलिंग में इंडस्ट्री फ्रेंड्स, इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट करने के लिए पूरा तैयार है, ये मेरे को विश्वास है। चाहे नॉर्थ बंगाल का इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे दार्जिलिंग का हो, चाहे सिलीगुड़ी का हो, चाहे हमारा बंगाल का हो, चाहे ऑल ओवर द कंट्री का हो, चाहे ऑल ओवर द वर्ल्ड का हो, हम लोग क्या चाहते हैं? बढ़िया दार्जिलिंग, इसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो। कैसे होगा? इंडस्ट्री बनेगा तब ना होगा। इंडस्ट्री खाली बड़ा बड़ा कंक्रीट का इंडस्ट्री इंडस्ट्री नहीं होता है, एग्रीकल्चर में भी इंडस्ट्री होता है, हॉर्टिकल्चर में भी होता है, ऑर्किड में भी होता है। दार्जिलिंग में कितना अच्छा अच्छा फ्लावर होता है, ऑर्किड होता है, मेडिसिन प्लांट का बहुत इसमें एडवांटेज है, टूरिज्म, कितना होटल और भी हो सकता है, कितना दुकान हो सकता है, टी टूरिज्म हो सकता है, कल्चरल टूरिज्म हो सकता है, ट्रेड हो सकता है, ट्रांसपोर्ट हो सकता है, आईटी इंडस्ट्री हो सकता है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, फूड प्रोसेसिंग, हॉर्टिकल्चर, एवरीथिंग इट कैन बी डन इन दार्जिलिंग। 6 महीना में जो बंद हो पड़ा, हमारा टी इंडस्ट्री को 300 करोड़ लॉस्ट हो गया है। जो 4 महीना बंद हुआ, 4-6 महीना, इसमें मोर देन 1000 करोड़ दार्जिलिंग लॉस्ट। इसमें क्या जनता को सबसे ज्यादा सफर करने पड़ता है? तो हम चाहते हैं, आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहले शुरुआत तो करें, शुरुआत शांति से करें।
हमारा गवर्नमेंट आपको मदद करने के लिए पूरा तैयार है. एंड आई कैन एश्योर यू ऑन बिहाफ ऑफ द इंडस्ट्रियल फ्रेंड्स, दे विल गिव यू फुल कोऑपरेशन, फुल असिस्टेंस. इवन द CII फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट देम टू प्रिपेयर ए प्लान ऑफ एक्शन फॉर ऑल ओवर द बंगाल एंड स्पेशली फॉर दार्जिलिंग. व्हाट दे सेड अबाउट द वाटर प्रॉब्लम, दे हैव एक्यूट वाटर क्राइसिस प्रॉब्लम. स्किल दे आर डूइंग ऑलरेडी, दे हैव स्टार्टेड डूइंग स्किल. वी आर नंबर वन. आई बिलीव दैट दार्जिलिंग द यंग जेनरेशन, दे हैव फुल पोटेंशियलिटी. माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ दार्जिलिंग, दे आर वेरी गुड, देयर स्किल इज वेरी गुड, दे आर स्पीकिंग पावर्स, दे कैन बी यूज इन एवरी इंडस्ट्री. इवन टूडे मॉर्निंग आई वॉज स्पीकिंग टू रुद्रो. Rudra was telling me, so many people are coming, we are giving them the skill training, and even from Japan the friends are coming to do some industry here in Darjeeling. They want to nurture the tea industry also. From tea industry, so many herbal products can come. From your orchid industry, so many products can come. From your medical plant, your this weather, it is your beauty. Hill area, the beauty is your weather. It can be used for your export purpose like anything, for maybe orchid, maybe flowers, maybe medicine plant. There are so many areas. My IT principal secretary, Mr. Debashish Sen, is here. Already we are going to set up two IT, set up in IT park in Kalimpong and Darjeeling, I think so. Kashiyang also we can do, Mirik also. But IT industry, there is a big scope. Software industry, the computer industry, the horticulture. Nandini Chakraborty is here. I will tell her, discuss the matter with my industry friends, agriculture and horticulture both. Because after this session is over, the B2B session will start. There actual the business formula will come out. The business friends will be discussing the matter. So please discuss this. How can we set up the IT industry, the software industry, the food processing zone, the agriculture sector, how to nurture it, the orchid sector, the flower sector. Even we have the cinchona medicine plant. We have 1,000 acres of lands are available there. So how we can use that? I will request CII friends also to give a DPR or some planning for this cinchona plant also, so we can use it. Horse Neutia told me that they are also doing some business in Darjeeling. 200 crores, I think more than 200 crores they are also spending. Mayank also told me that Ghum, they have a place, so they want to set up the food processing zone also like this. I think your Labha Lolegao, they have some beauty. Your Sandakphu, the tourism beauty is there. Labha Lolegao, your hotel, your tourism beauty, Sandakphu is also there, the taking spot. Kalimpong also. Kalimpong also, it can be developed like anything. There are so many areas are left out even now. You can set up the new Darjeeling there also. Kashiyang also, we are going to set up some industry, this education hub. There are already presidency universities are coming. Even the new Malte, this medical college also will be coming to Kashiyang also. But I think the other also can take up the matter that how the hotel industry can come up more and more. Even now Darjeeling is exhausted, but see the new Darjeeling, see the new routes. There are so many areas I have seen. When I visit the area, I see there are so many areas which we can develop again. Even Tiger Hills, our plan to set up some cottages or some center also. There also you can develop. Sandakphu you can develop. Kalimpong you can develop. Kashiyang you can develop. Even Mirik. Mirik, the beautiful lake is there. Mirik, the beautiful tea gardens are there. We are going to set up some art and folk centers there, where the art and folk cultural centers will be there, the hub. Like this skill hub, horticulture hub, education hub, Kashiyang, health hub. There are so many areas are left out. Even Dilip Roy is here. They are also starting new hotel Mayfair there in Kalimpong also, what I came to know. So there are so many. So I think that you must deliberate all the details in this meeting, and tomorrow after
the discussion, we can come up with a conclusion what we can do more and more for Darjeeling. From our government side, we'll give you full cooperation. But from the political side, the Darjeeling political people, I'll request, even it may be Binoy Tamang, it may be Monique, it may be Man Gishing, it may be Rai, Mr. Rohit, all the friends, municipalities and all, please see that Darjeeling should be green and clean. Please see that water problem should be solved. Please see that there should not be any violence more. If you do the violence, some political leader can gain. But that Darjeeling people won't gain, because my young generation, they will feel depression. Because if you don't give them the employment, don't allow them to work, don't give them the development or the betterment, how they will survive? They are our future generation. We have to protect our future generation. And for that, we have to set up some transport industry newly here. Transport, we have the advantage. Transport industry, the tourism, we have enough scope. Tourism industry, the people want to come to Darjeeling. Even throughout the world, they want to come to Darjeeling. Bengal, the beauty is, you will never see in any state that deep forest is there, deep sea is there, even the hill is there. Hill, forest, and sea. Every three things you can see from the West Bengal, what you cannot see in other place. So there is a beauty. And we have the duty to see that there should not be any violence more. If you want to raise your point, I have no problem. Our government always willing to discuss the matter. There is no problem. Earlier, nobody took care for Darjeeling. But now to I come North Bengal, even in a month twice, what do you want more? Even I don't nurture my constituency, what I nurture now with you people. And whatever you want, sometimes I cannot fulfill, I cannot satisfy every individual. But collectively, we can do more. Collectively, we can satisfy the more. Even you give us peace, we'll give you prosperity. That is our commitment. That is our assurances. And for this purpose, somebody is to bail the cat. Let me bail the cat. I can assure you, my government will provide you 100 crores for promotional development for job-oriented industry, especially agricultural field, the food processing, tourism field. From Darjeeling to North Bengal, I am ready. My funds, 100 crores I started from now to develop the promotional industrial schemes and all this. And now you decide what you want to do more. Siliguri, the new Tista city is also coming. That city project is also, I think you have already taken over this Horsenevtia group. So it is also coming up. So Darjeeling, Siliguri, it is a gateway of Sikkim, northeastern. Let us do the competition for the development purpose. Aiyye hum development purpose pe competition karte hai. Hum khoon leke competition kabhi nahi karne chahungi aur nahi chahte hai. Hum chahte hai hamara Darjeeling ka janta accha rahe. Kabhi humne socha Darjeeling ka gaon ka janta ko kya face karne padta hai? Thoda pani ke liye usko dikkat hota hai. Peene ka pani ke liye. Thoda khana agar us tak nahi jate hai ration ka khana. तो बिचारा का क्या दुर्दशा होता है? हमको पास सब कुछ है. कितना गवर्नमेंट का स्कीम है. अभी हमारा कन्याश्री है, हमारा जुबश्री है, हमारा सबश्री है, हमारा कितना भी स्कीम है, हम उसको मदद करने चाहते हैं. आप लोग आइए, एक साथ में बैठ के हम लोग मदद का काम करें. आज दिल्ली को पास मेरे को एक ही विनती है, दार्जिलिंग को अच्छा रखने दो. आप दार्जिलिंग को टुकड़ा करने के लिए किसी को मदद मत देना. हम चाहते हैं सबका साथ दोस्ती रख के अच्छा से अच्छा काम करें. कोई सीट के लिए पॉलिटिकली जीतने के लिए हम दार्जिलिंग को टुकड़ा नहीं करने देगा. ये हमारा दिल है. हम बंगाल का आदमी, हम पहाड़ को बहुत पसंद करते हैं. बाहर का आदमी पहाड़ में आने के लिए उसको ध्यान जान प्राण में पहाड़ होता है, एक अच्छा सुंदर सपना होता है. हम लोग दार्जिलिंग को बहुत प्यार करते हैं और इसी के लिए हमारा प्यार रिश्ता मोहब्बत ठीक रहे. अगर आपका शांति ठीक रहे तो हम आपका पास वोट मांगने नहीं आएंगे, लेकिन आपका पास आप अच्छा रहे ये हम जरूर मांगने आएंगे. ये हम कंचनजंगा का पास जरूर मांगने आएंगे. आप लोग इसका बारे में चर्चा करिए और आप लोग सोचिए क्या क्या करना है.
हमारा ऑल द डिपार्टमेंट प्रिंसिपल सेक्रेटरीज दे आर प्रेजेंट हियर, दे विल डिस्कस द मैटर्स विद यू बी टू बी मीटिंग एंड टुमारो एट 3 o'clock द क्लोजिंग सेरेमनी इधर में होगा, तो आप लोग जरूर आएंगे। आप लोग बहुत मुश्किल से बहुत दूर दूर से आई हुई है हमारा इंडस्ट्री फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग दिस इंटरेस्ट एंड आई वॉन्ट टू कंग्रेचुलेट माई प्रेस मीडिया फ्रेंड्स ऑल्सो, दे आर ऑल्सो टेकिंग ट्रैवल टू कम ओवर हियर एंड थैंक यू सो मच एंड आई वॉन्ट टू थैंक्स माई इवेंट मैनेजमेंट ऑल्सो, दे आर ऑल्सो डूइंग ए लॉट। कल देखिए कितना बारिश था, कितना शिलावृष्टि हुआ, आज देखिए कंचनजंगा वॉज स्माइलिंग, दैट्स वाई कंचनजंगा ऑल्सो वॉन्ट्स दैट दार्जिलिंग माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स टू स्माइल, यू ऑलवेज स्माइल प्लीज, अगर कुछ कहना है तो मेरे को कहो, मैं यू जस्ट कंसिडर मी एज योर एल्डर सिस्टर, लेकिन आप दार्जिलिंग को प्लीज, दार्जिलिंग को शांति रखिए, दार्जिलिंग को प्रॉस्पेरिटी ले आइए, देश को दिखाना है दार्जिलिंग क्या नहीं कर सकता है, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग इफ यू वांट। विथ दिस वर्ड्स आई थैंक यू सो मच।